नमस्ते, इस वीडियो में आप ग्रीक दर्शन के एक संदिग्ध दवकास से संबंधित एक संदिग्ध अर्थार्थक संदर्श देखेंगे। ताड़क आप बात के वीडियो, इसकी पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति, दवदन अवधियों और लेखकों में से प्रत्येक को समझने में सिम हो जो उन्हें एक ठोस और गहन तरीके से बनाते हैं। पुरुष सोक्रे डिक दर्शन को कवर करते हैं। राष्ट्रीय ग्रीक दर्शन और हेलेडनिस्टिक दर्शन मीन्स मापन। ग्रीक दर्शन दर्शन के इतिहास की अवधि मीन्स तथ्य है। लगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में आइडनिया के येत्र मेम्पडिमी दर्शन के उद्भव के बीच 149 ईसा पूर्व में नोनोन द्वारा मैसेओडनिया के आक्रमी के लिए आयोडनिया वह नाम है जिसके द्वारा अनातोलिया के पडिमी मध्यति को प्राचीन ग्रीक काल में जाना जाता था और डच में आसन्न द्वीपरी राडमल थे। यह एक ऐतिहासिक येत्र है। वत्समान में मुख्य रूडम तुकी से संबंधित है। जब तक द्वीप का दहसा ग्रीस का है, मैसेओडनिया का साम्राज्य डच मैसेओडनियन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। वत्समान ग्रीस के उइर में राष्ट्रीय और हेलेडनिस्टिक पुरातनता का एक ग्रीक राज्य था। इस राज्य को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान समेटकर दकिया गया था और डिडलब दद्वतीय के राशन के साथ 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अपनी वृष्टि में एक बड़ी वृष्टि का अनुरूप दकिया जिसने मैसेओडनिया को ग्रीस की मुख्य वृष्टि बना दिया। उनके बे अलेक्जेंडर द ग्रे अलेक्जेंडर थ्री ने ग्रीक इतिहास के हेलेडनिस्टिक काल का उद्घाटन करते हुए अधिकार ज्ञात दुनिया को जीत डलिया। करी करी इसे राष्ट्रीय दर्शन या प्राचीन दर्शन भी कहा जाता है। हालांकि जब राष्ट्रीय रूप का उपयोग दकिया जाता है तो इसे रोमन दर्शन में भी राडमल दकिया जा सकता है। ग्रीक संस्कृत डट बाल्कन प्रायद्वीप एजियन सागर के द्वीपों और वत्समान तुकी मेनानातोलियन प्रायद्वीप के त्यों में यह लग गई। हालांकि अर्थार्थक डोमेन ग्रीक सभ्यता की उत्पत्ति को क्रे इन और माइसिडनियन संस्कृत दत्तों में रखना संभव है। क्रे इन सभ्यता डोमेन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है को प्राचीन ग्रीस का एक सांस्कृत दत्तक पूर्वशवती माना जाता है। यह ग्रीस के दी मेंक्रे तेद्वीप पर स्थित था। 3000 ईसा पूर्व और 1100 ईसा पूर्व के बीच कांस्य युग के दौरान अपने हैये के दौरान क्रे इन सभ्यता अपने वाडिस्टजक और नौसेडन वृष्टि के लिए बाहर खड़ी थी। माइसिडनियन सभ्यता कांस्य युग के अंतम राग के दौरान दवकर्षत हुई। लगर 1700 ईसा पूर्व और 1050 ईसा पूर्व के बीच यह अपने महल राज्यों रहरी संगठन कला और लेखन प्रणाली के कायों के साथ मुख्य रूडम ग्रीस की पहली उन्नत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। 1600 ईसा पूर्व के आसपास अर्चन यूरोपीय मूल के ग्रीक राशि लोग मुख्य रूडम ग्रीस के येत्र में उई गए जो पेलोपोनी प्रायद्वीप के पूर्व और दसरे पर बस गए। अचयन सामूढ़क होमर के ओडिसी और इडली में यूनानियों के से को नाडमत करने के लिए इस्तेमाल दकिया नामों में से एक है। अर्थार्थक काल में अर्चन अचया केडनवासी थे। इस येत्र केडसीएस ने एक परसन का गठन दकिया डच से अर्चन लीग के रूप में जाना जाता है जो तीसरी और दूसरी राब्दी ईसा पूर्व के दौरान बहुत प्रभावशाली था। यह लोग 1200 ईसा पूर्व के आसपास क्रे इंस पर हावी हो गए। ग्रीक मूल के एक अन्य लोग इओरियन थे जो अपनी राशा उनके समाज और उनकी अर्थार्थक परंपरा द्वारा प्रदत्त थे। पारंपरिक खाते प्राचीन ग्रीस के उइरी येत्रों में अपने मूल थथान को रखते हैं जहां से कुछ अज्ञात परस्त थथरते उन्हें पेलोपोनीज येत्र के दी में एडजियन सागर के दी राग में कुछ द्वीपों और एडरिया माइनर के दड़ीती पर ले जाया। कुछ समय के डले इसकी अस्पष्टता को एक आक्रमी के रूप में माना जाता था डजस ने माइसिडनियन राज्यों को अस्तथर कर दद्या उनके सांस्कृत दत्तक रूपों को नष्ट कर दद्या और उन्हें आक्रमिकारियों के साथ बदल दद्या। इस अक्षमे इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है डक उन्होंने लोहे के हथियारों का इस्तेमाल दकिया और ग्रीस को माइसिडनियन को हराने के लिए जब्त कर डलिया। स्पायाश और कोरंथ मुख्य इओरक रहर बन गए। इओरियन के साथ सांस्कृत दत्तक प्रलकमन की एक अवधि रुरु हुई। डचसेन एरेयुग या अन्यरेवशो के रूप में जाना जाता है। इओरियन की दवजय के बाद पूरे ग्रीस में जीवन एक बहुत ही आर्दम स्तर पर उतरा और कई सौ वर्षों तक ऐसा ही रहा। हालांकि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 6थी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक अवधि डचसे पुरातन युग के रूप में जाना जाता है। ग्रीस ने एक महान राजनीतिक अर्थशक और सांस्कृत दत्तक वसूली दवकर्षत की और समाप्त कर दी। इस तरह की वसूली रहर के राज्यों उडलस में संगठन और एडरिया माइनर और काला सागर के तियों पर उपदनवेरों की नी केडले संव थी डसर्सली में दरी एली में फांस के दरी में और स्पेडन लेवेई में। इस अक्ष में ग्रीक यादमशक प्रियाली के साथ कुलीनों केढ़तों के बीच समन्वयवाद के प्रभाव पर जोर देना आवश्यक है। कौनक रूडम का कब्जा और डवरासत जेई पुरुष पर डगर गई
इस प्रकार संपरी केडवराजन से बचने के डले और इस प्रकार रूडम के कब्जे के आईआर पर एक रिस्टी के रखरखाव को बनाए रखने के डले। इस तरह एएलसी के ओरेकल द्वारा डनराई गई रूडम का को समझाया जा सकता है। डचमैन से पुजारी द्वारा राज्य के पढ़ने के माध्यम से प्रोत्साहित दक्या गया था। एक प्रवासन डजसनेग्रिक ऑफ डनवेडर दवस्तार का नेतृत्व दक्या और इसके साथ व्यापार का एक दवस्फोई नई संपड़ी की पीढ़ी साथ ही साथ एक वाडिस्टजक प्रत्री दत्त के एक नए अडरजात वक्ष का उदय नए उपडनवेर महानगर के राजनीर तक रूप से स्वतंत्र पुडलस बन गए। डजन एम दर पुडलस री कहा जाता है। लेडकन करीबी एडमशक आर्थशक और सांस्कृत दत्तक संबंधियों को बनाए रखा। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्वश और चार ईसा पूर्वश हेलेडन प्रायद्वीप पर महान स्वतंत्र रह राज्यों के हैये के अनुरूप है। डजन में से एथेंस और स्पायाश की पुडलस बाहर खड़ी है। स्पायाशा प्राचीन ग्रीस में यूरोयास नदी के तीर पर पेलोपोनीस प्रायद्वीप पर टाइगेयो और पानोन पहाड़ों के बीच स्थित था। यह लाकोडनिया की राजधानी थी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक पुडलस में से स्पायाश को एक दवदष्ट रह राज्य नहीं माना जा सकता है। कोंडक इसमेंदीवारे या एक्रोपोडलस नहीं थे और जनजात के अक्षमिन जाति दृढ़ष्ट कोई से नहीं समझा जा सकता था। कोंडक इसके एत्र पर पांच अलग अलग जनजातियों का कब्जा था। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व और चार ईसा पूर्व के बीच इस अवधि की शुरुआत में यूनानियों ने थाकृथक दचड़ कत्सा यूयो में आडस्यों की ताकत से उत्पन्न खतरे को हराने के डले एकजुट डकिया। मेडिकल वासर्श डेमेस वाशरी कहा जाता है। ईआरसी साम्राज्य और ग्रीक रह राज्यों के बीच 490 ईसा पूर्व से 449 ईसा पूर्व तक होने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला थी और इस समय तीन यूई राजमल थे। 449 ईसा पूर्व में कैडल्यास की रांडत नामक एक रांडत संधि पर हस्ताये डके गए थे। डचमैन दोनों भी एक दूसरे पर दृढ़ सहमला नहीं करने के डले सहमत हुए थे और ईआरसी साम्राज्य को ग्रीक रह राज्यों की जीत को मान्यता देनी थी। जीत के बाद एथेंस एलस की लीग की वर्चस्ववादी रिश्ती बन गया। एक गठबंधन जो यारसियों के स्टकलाई खुद को बचाने के डले बनाया गया था। घरेलू राजनीतिक में एथेनियनों ने लोकतंत्र लोगों की सरकार के रूप में जानी जाने वाली राजनीतिक प्रणाली को समेटकर दकिया और डवदेर नीडत में वहलाए की महान राजनीतिक सैन्य रिश्ती बन गए। डजस ने उन्हें बड़ी संख्या में दुश्मनों को लाया। इस अवधि को एथेंस के स्विशुग या रासत के सम्मान में पेरकल्स की राब्धि के रूप में संदर्शित दकिया जाता है। डजस ने एथेंस को अपने अधिकतम वैर्व में लाया था। इस संदिप्त एटहार्सक यात्रा के बाद यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हैडक ग्रीक दर्शन को तीन उपवधियों में दवराजत दकिया जा सकता है। पूर्व सोक्रेटिक दर्शन जो डमलेस के थेल्स से सुकरात और सोडियोन तक जाता है, प्लेयो और अरस्तु के साथ राष्ट्रीय ग्रीक दर्शन अधिकतम घातांक के रूप में और पोयेरियो एडलिनिया हेलेडनिस्टिक अवधि। पूर्व सोक्रेटिक दर्शन को दुडनिया की पारंपरिक पौराणिक अव्यारिया पर सवाल उठाते समय दुडनिया और मनुष्य के थथान को समझने के तरीके पर डवदन प्रस्तावों की एक दकस्म की डवरेजता थी। इन रुरुआती दवचारकों की सोच खंडित लेखन और अन्य बात के दवचारकों की रड़पोयों के माध्यम से हमारे पास आती है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मेंसोडियो की उपस्थित के साथ मनुष्य दार्शनिक प्रणद बम्बो का के द्रवन गया। सॉरी और नडवरेश रूप से नर्तक और राजनीतिक समस्याओं से डन पिया जैसे डक यह सवाल डक्का मानदनी और मूल्य स्वाराडवक रूप से दे जाते हैं या पुरुषों द्वारा थथाड़ पर डके जाते हैं। उसी समय एथेडनियन सुकरात ने मेज्यूरिक्स को डवकर्सत और लागूर किया। एक डवडी डजस के द्वारा उन्होंने अन्य लोगों के साथ बातचीत की और अपने डोमेंडन डह दवरोयारासो को प्रकी करने के डले प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से उनका नेतृत्व डकिया। बॉस्टिक स्वतंत्रता की उनकी अडरव्यस्टियों और उनके आचरी को परस्थत दत्तियों के अनुकूल नहीं नकिया गया था। प्रचलित यादमशक अनुयान प्रियाली पर सवाल उठाने के अलावा देवताओं के प्रणत अहिमशौर युवाओं के भ्रष्टाचार के आरोप के तहत प्रस्ती द्वारा मौत की सजा का मतलब था। चूनक सुकरात नेडलस्खत रूप में कुछ छरी नहीं छोड़ा। इस डिले उनकी छड़व उनके दर्श प्लेयो द्वारा डनिया शरत की गई थी। संवादों के रूप में उनकी रचनाओं नेपडिमी दर्शन के एक केंद्रीय दबंध का गठन नकिया योग्य के सुक्रे डिक प्रश से एक्स का है। एक्स को डक्सीरी अन्य चीज के रूप में समझना जैसे डक उदाहरी के डले पुण्य का है न्याय का है। प्लेयो ने पराशा के एक दसियांत के दसियांतों का दनमाशी डकिया। वह रूपों के दसियांत के लेखक री थे जो दो रागों के साथ वास्तवक्ता के प्रणत दंडित्व के आयार के रूप में काइश करते थे। हमारी इंद्रियों के साथ स्पष्ट वस्तुओं का दवमान जैसा डक रूपों के डवमान के विपरीत केवल अमूतश के माध्यम से बुष्टि के डले सुलर था। केवल इन रूपों का ज्ञान हमें वास्तविकता की समग्रता की गहरी समझ देता है।
प्लेयो के एक दर्श अरस्तु ने रूपों के दस्यांत को दुडनिया और वास्तवकता के एक अनावश्यक दोहरेपन के रूप में स्वीकार कर दिया। रूप और पदार्थ के बीच का अंतर अरस्तु के तत्वमीमांसा की मुख्य डवरेशताओं में से एक है। उनके स्कूल नेसरी वास्तवकताओं को वर्गीकृत करना रुरु कर दद्या प्रक्रिया दत्त और समाज दोनों ज्ञान के दवदन ने येत्रों में उनका वैज्ञानिक रूप सर्वश्लेषी और आदेश देने के डले। इसके अलावा अरस्तु ने दावली के राष्ट्रीय तकश और दवज्ञान के दर्शन का दनमाशी दक्या। इसके साथ उन्होंने कुछ मॉडलक दार्शनिक मान्यताओं की स्थापना की जो आयुडंकता तक दनियाशक थी। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक संक्रमी में अरस्तु की मृत्यु और पुडलस की डगरावी के बाद अलेक्जेंडर द ग्रे को सिल बनाने के डले हेलेडिक राजाओं के बीच यूयो ने जीवन को समस्याग्रस्त और असुरित बना दिया। इसके बाद एथेंस में दो दार्शनिक स्कूल उर्वे दजनों ने प्लेयोडंक अकादमी और एरियो एडलियन डलडसियम के स्पष्ट डवरोई में व्यक्तिगत उयार को अपनी दचनताओं के केंद्र में रखा। ग्रीक संस्कृत दत्त का डवस्तार डवरेश रूप सहलेडन के दौरान रोमन साम्राज्य द्वारा इसका अवरोची ईसाई इम्श के साथ बाद के संबनी और तेरहवीं शताब्दी में इसकी दंडित वसूली एवेरोस जैसे अनुवादकों के डले इन्यवाद साथ ही साथ रुडच हैडक पुंजाशगरी के दौरान दवचारकों के इस समूह को बताया गया था। ग्रीक दर्शन के दंडंतर अध्ययन में योगदान दद्या और पड़िनी संस्कृत दत्त के स्तनों में से बनने के डले। ताड़क आपके पास एक बड़ा परप्रेक्ष्य हो जो आपको ग्रीक दर्शन की दुडनिया में प्रवेर करने की अनुमति देता है। अगले वीडियो मेंडवडन अवधियों का दौरा होगा और प्रत्येक लेखक जो ग्रीक दर्शन को एक ठोस और गहन तरीके से बनाते हैं पूर्व सोक्रेटिक दर्शन से राष्ट्रीय ग्रीक दर्शन हेलेडिस्टिक दर्शन में समापन करने के डले। अगला वीडियो प्राचीन ग्रीस के दर्शन और पूर्व शदार्शन दवचार के ढांचे के भीतर मनुष्य पौराणिक कथाओं और ओलंपस की उत्पत्ति पर चर्चा की जाएगी। इतिहास पौराणिक कथाओं और दर्शन के अधिक वीडियो देखने के डले वीडियो के डवरी में मेरे चैनल पर जाएं।